केरल के कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पुडुचेरी में कोरोना प्रतिबंधों में डील, 21 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। आगरा में खेलते समय 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, एनडीआरएफ और सेना ने 9 घंटे में बचाया। आगरा में ग्रीन गैस के कर्मचारियों की लापरवाही, आग की वजह से महिला गंभीर रूप से झुलसी। प्रतापगढ़ में हुए पत्रकार की मौत पर सीबीआई जांच की मांग, परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता, रायबरेली में हुआ प्रदर्शन। बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत आज की कुछ खास खबरों के साथ। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, अब इस वायरस का नया वेरिएंट मिला है जिसे डेल्टा प्लगस या EY1 नाम दिया गया है। ये कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बना हुआ है जिससे बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वेरिएंट भी फिर से कोहराम मचा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इस वायरस को लेकर बहुत डरे हुए नहीं है, उनका मानना है कि भारत में अभी इसे लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। CSIR IGIB के निदेशक अग्रवाल ने कहा कि अभी वायरस किस प्रकार को लेकर भारत में चिंता की कोई बात नहीं है। वो बोले कि टीके की पूरी खुराक ले चुके रक्त प्लाज्मा से वायरस के इस प्रकार का प्रशिक्षण करना होगा। आगरा में सोमवार सुबह बोरवेल में गिरा मासूम शिवा, सेना और एनडीआरएफ की टीम की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। थाना निबोहरा के गांव धरियाई में घर के सामने खेलते समय खराब पड़े बोरवेल में गिरे 4 वर्षीय शिवा को सेना और एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर 9 घंटे में सुरक्षित निकाल लिया। 100 फीट गहरे गड्ढे में बच्चा करीब 90 फुट की गहराई में फंसा था। इससे पहले सेना में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पाइप से गड्ढे में ऑक्सीजन की सप्लाई कर बच्चे को सुरक्षित करने का उपाय किया। SSP मुनिराज जी ने बताया कि गांव के छोटे लाल ने करीब 5 साल पहले घर के सामने बोरिंग कराई थी, लेकिन वो खराब हो गई थी। 2 दिन पहले उन्होंने इसकी पाइप निकलवा कर नई बोरिंग में लगाई थी, पर घर के सामने गड्ढा वैसे ही छोड़ दिया था। सोमवार की सुबह उनका 4 साल का पुत्र शिवा घर के बाहर खेलते समय खराब पड़े बोरवेल में गिर गया। करीब 100 फुट गहरे गड्ढे में बच्चे के गिरने से हड़कंप मच गया। सेना और एनडीआरएफ की टीम करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित निकालने में सफल रही। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, खुशी की बात है एक तौर पर कि शिवा ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा और बच्चे को 9 घंटे के भीतर ही निकाल लिया गया। जी कृति, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुबह जब ये घटना हुई थी 7:40 पर, उसके बाद 3 घंटे के अंदर अंदर उसको स्वास्थ्य सेवाएं जो उस बच्चे को चाहिए थी वो मुहैया करा दी गई थी। और उसके बाद से ही जो आगरा प्रशासन है उसने सेना और एनडीआरएफ से संपर्क साधने के बाद से सेना और एनडीआरएफ की टीम ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया। और ये कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया गया, सेना और जो एनडीआरएफ टीमें, इन दोनों ने संयुक्त रूप से किया, लेकिन दोनों ने अलग अलग प्लानिंग करके किया था। सेना ने खुदाई के माध्यम से बच्चे तक पहुंचने की योजना बनाई थी, तो वहीं एनडीआरएफ की टीम ने रस्ते के माध्यम से बच्चे को बाहर निकालने की योजना बनाई थी। तो दोनों तरफ से प्रयास चल रहे थे लगातार सेवा को बाहर निकालने के लिए। तो वहां जब जो रस्ते वाला जो प्रोग्राम जो उनका तरीका चल रहा था एनडीआरएफ का, तो उसमें तकरीबन शाम को 6 बजे के आसपास इसमें एनडीआरएफ टीम को सफलता मिल जाती है और बच्चे को सफल बाहर निकाल लिया जाता है। जी, लगातार वहां के हालातों का जायजा ले रहे थे। बच्चे के निकलने के बाद माँ बाप के चेहरे पर किस कदर खुशी थी और उन्होंने बच्चे के बाहर आने के बाद क्या कुछ कहा? यकीनन बच्चे के बाहर निकलने के माँ बाप की जो खुशी थी उससे अच्छा माहौल पूरे गांव में था। बच्चा जैसे ही बाहर निकला था तो एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों ने भी इतना उत्साह बटन दिखाया, अपना तालियों की गूंजें वहां पर गूंजने लगी और जयकारे लगने लगे। बच्चे के बाहर निकलते ही मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला जो किया हो और कोई मतलब अच्छा कर ऐसा हो गया हो, तो मतलब सकुशल निकलने का बच्चे। तो माँ बाप की तो जो स्थिति थी उनका ये कहना था कि ऊपर वाले की कृपा से आज हमारा बच्चा बच के हमारे बीच में है। जो गलती हमने लापरवाही जो हमने की है, बोरवेल को खुला जो छोड़ दिया था, आगे से ऐसी गलती
अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे और किसी से करने भी नहीं देंगे। तो उनके चेहरे पे साफ तौर से कोई भी की गई थी कि जिससे लग रहा था कि बिल्कुल जो बच्चा बोरवेल में चला गया था तो कहीं इनकी आशंका थी कि न जाने क्या होगा, लेकिन बच्चे के सुबह के सबको से बाहर निकलने के बाद में उनके चेहरे पे अलग ही खुशी थी। ये बहुत बड़ी लापरवाही थी और कहीं ना कहीं इससे एक सबक भी मिल गया होगा तमाम उन लोगों को, हमारे दर्शकों को, जो इस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं और इस तरह के हादसे होते हैं। बच्चा पूरी तरह से अमित इस वक्त स्वस्थ है? जी करीब बता दूं मैं आपको, बच्चों को जब सिवा को बोरवेल से बाहर निकाला गया था तो वही डॉक्टर टीम जो मौजूद थी उससे पहले अपना प्राथमिक उपचार उसको दिया बच्चे को, जो हाथ में कहीं चोट थी या ऑक्सीजन लेवल कैसा है उसका, वो सारी चीज वहाँ चेक की गई। उसके बाद में उस बच्चे को वहीं से एम्बुलेंस के माध्यम से तो आगरा का जो CST है वहां पर भेजा गया, वहां उसको प्राथमिक उपचार थोड़ी बहुत देर के लिए उसको ऑक्सीजन पर रखा गया, जब बिल्कुल नेचुरल जब वो स्वस्थ हो गया बिल्कुल, उसके बाद में उसको घर भेजा गया था। तो दूसरे बता दूं मैं आपको, जिस तरीके से बच्चे गिरने के बाद में वहाँ गाँव में ये हालात देखे गए थे, जैसे कि लोगों ने माना कि लापरवाही हुई, बोरवेल को हमने खुला छोड़ा उसके कारण ये बच्चा उसमें चला गया, तो वहाँ उसी गांव की मैं बात करूँ तो वहाँ एक दो बोरवेल खुले हुए थे, तत्काल वहाँ के ग्रामीणों ने उन बोरवेलों को बंद भी किया था। तो कहीं ना कहीं साफ है कि डर लोगों में बैठा था, लेकिन ये बात कहाँ तक है कि जब आदमी लापरवाही कर देता है और उसका खामियाजा जब मासूम को किसी भुगतना पड़ता है तब उनको एहसास होता है कि हमने ये गलती की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से हम लगातार बता रहे थे कि शिवा ऑपरेशन एक बार फिर बड़ी ही सफलता के साथ इसको शिवा को बाहर निकाल लिया गया, हालांकि ज्यादा वक्त NDRF की टीम ने नहीं लिया, तत्काल प्रभाव से इस पर कार्य पे लगते हुए और शिवा को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि जिस तरह से रिपोर्ट मिल रही है अब शिवा पूरी तरह स्वस्थ है और माँ बाप के भी सांस में सांस आ गई है क्योंकि उनका बच्चा उनके पास सुरक्षित पहुंच गया है। साथ ही साथ लोगों को एक सबक भी मिल गया है, जिस तरह से बोरवेल खुला हुआ था उसको लेकर ये सबक जरूर मिल गया है कि इस तरह की लापरवाही से कितनी बड़ी घटना घट सकती है, इस पर गौर करने की जरूरत है। वहीं आगरा के थाना ताजगंज के गांव तोरा में चल रहा ग्रीन गैस का काम, इसी काम में ग्रीन गैस के कर्मचारी, बड़ी लापरवाही उनकी सामने आई है। ग्रीन गैस में लाइन डालने और घरों में कनेक्शन का काम चल रहा था, लाइन चालू करने के बाद किचन में आग लग गई। आग की वजह से ग्रीन गैस के कर्मचारी काम छोड़कर फरार हो गए, वहीं आग की वजह से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। ग्रीन गैस वाले बाहर काम कर रहे थे, मैं किचन में गई सो क्या कहते हैं तिल्ली जराई थी सो पूरी किचन में आग लग गई। तो मतलब क्या गैस के अंदर घर में कनेक्शन नया लगा था? हाँ नया कनेक्शन लग रहा था, वो बाहर काम कर रहा था। जनपद के ABP जिला संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर CBI जांच की मांग उठाई जा रही है। परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व पत्नी को सरकारी नौकरी के लिए लिखा पत्र सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकारों के आर्थिक व्यवस्था के लिए कानून बनाने की मांग के साथ शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की बात कही गई है। बता दें कि रायबरेली में भी अखिल भारतीय पत्रकार संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है जिसमें कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर घोटाले के आरोप लगे हैं। ये आरोप अयोध्या के पूर्व सपा विधायक और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने लगाए हैं। इस पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान जारी कर कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए अभी तक जितनी भी जमीनें खरीदी गई हैं उनकी कीमत खुले बाजार में काफी कम है। दरअसल रविवार को पवन पांडे ने 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 1850 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा दिया था। उन्होंने कहा कि 1.208 हेक्टेयर जमीन का बैनामा और एग्रीमेंट हुआ। बाबा हरिदास ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेचा और उसी को ट्रस्ट ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। 10 मिनट में जमीन की कीमत 1800 करोड़ कैसे बढ़ गई? ये बैनाम और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को किया गया था। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन घोटाले पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो चंदे के नाम पर चंदे का दुरुपयोग किया गया वो अधर्म और पाप है, लोगों की आस्था का अपमान हो रहा है, लोगों ने भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया, आस्था और भक्ति के चलते चढ़ावा चढ़ाया गया था। साथ ही इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
देखिए जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें, अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार ना बने वो जो साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। जो सर ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है, जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए, आरोप लगा है। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने शव देखे जाने की सूचना पुलिस को दी। शव मिलने की सूचना मिलते ही अनफानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं मामले की जांच में जुट गई है। आजमगढ़ के मार्टनीगंज तहसील क्षेत्र के दीदारगंज थाना में भारी बारिश के चलते मिट्टी का घर एकाएक गिर गया। हादसे में एक महिला और एक भैंस दबकर घायल हो गई। महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहसील क्षेत्र के गांव में भारी बरसात से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैनपुरी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने दो दिन पहले शहर में गोलीकांड को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने दो तमंचे, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बता दें कि दो दिन पहले बाइक सवार बदमाशों द्वारा एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। कोतवाली पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी मनोज बड़ा हिस्ट्री शीटर है और लंबे समय से आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहा है। शाम करीब 8:30 बजे एक सूचना मिली कि मोहल्ला छपट्टी के अंतर्गत फायरिंग हुई और इसमें एक युवक घायल हुआ जो जिला अस्पताल मैनपुरी में है। हम लोग तत्काल घटनास्थल पर भी पहुंचे और मजरूह को भी देखा गया, उसे सैफे के लिए रेफर कर दिया गया था जहां से स्थिति उसकी अच्छी है, वापस आ चुका है। उसके द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके द्वारा ही बताया गया कि इसमें तीन अभियुक्त थे जिनसे मेरा पूर्व का विवाद था, इसी विवाद के चलते उन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। आगरा में आजाद समाज पार्टी के द्वारा दक्षिण विधानसभा के युवा नेता जावेद कुरैशी के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में सरकार की कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। चुनाव की तैयारी में जुटे युवा नेता जावेद कुरैशी सरकार की गाइडलाइन का पालन करना भूल गए। वहीं रविवार को वीकेंड लॉकडाउन होने के बावजूद दक्षिण विधानसभा के युवा नेता जावेद कुरैशी ने चुनावी प्रचार किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो कोरोना गाइडलाइन की किस तरह से युवा कांग्रेस नेता के द्वारा धज्जियां उड़ाई गई आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं और किसी ने मास्क लगाना जरूरी तक नहीं समझा। तो चुनाव आते ही इस तरह से कोरोना की धज्जियां उड़ाना भी शुरू हो जाता है। वहीं जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसी को लेकर रविवार को लॉकडाउन होने के बावजूद विधानसभा के युवा नेता जावेद कुरैशी ने चुनाव प्रचार किया जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ में एक पत्रकार की मौत हो गई है। उन्होंने कई बार शराब माफियाओं के खिलाफ खबरें बनाई और वो खबरें काफी चर्चा में भी रहीं। वहीं रविवार को रात प्रतापगढ़ के कटरा इलाके से पुलिस की एक खबर को कवरेज करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी बाइक खंभे और हैंडपंप से टकरा गए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वहां पर मौजूद मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी, घायल हालत में हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर डॉक्टर की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस खबर के सामने आने के बाद प्रतापगढ़ पत्रकारों में शोक की लहर है तो वहीं परिवार में इस घटना के बाद मातम छा गया। बता दें कि इससे पहले पत्रकार ने बकायदा एक लेटर के जरिए एडीजी जोन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी और दूसरे दिन ऐसी घटना सामने आई। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। और मुझे भी उन्होंने दिखाया था अपने मोबाइल में कि मैं ऐसा मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि उनको सुरक्षा के लिए गनर चाहिए था। सुरक्षा के लिए गनर चाहिए था क्योंकि उनके कुछ लोग पीछे पड़े थे। अच्छा। जब से उन्होंने ये खबर चलाई थी शराब वाली जी शराब माफिया की उसके बाद से कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे बहुत दिनों से। तो वो हम लोग को शेयर भी किए थे, हम लोग ने मना भी किया था कि रहने दीजिए मत बनाइए, लेकिन वो माने नहीं और
उनको यूज़ किया गया है। और कुछ उसके पहले आपसे बताए हैं ऐसी बात? नहीं, बस जब खबर चली थी सबसे पहले तभी उन्होंने हमसे बताया था, हम लोगों से, कि ऐसे ऐसे खबर चलाए हैं और कुछ लोग हमारे पीछे मतलब पड़े हैं, तो इसीलिए अब हम ये क्या कहते हैं एप्लीकेशन देख के अपनी सुविधा के लिए गलत चाहते हैं। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10:11 के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के सम्मानित पत्रकार हैं, वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। रायबरेली से दिल को झंझोड़ने वाली वारदात सामने आई है। रायबरेली के उचाहार कोतवाली क्षेत्र में 3 साल की मासूम के साथ किशोर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देकर किशोर मौके से फरार हो गया। खून में लथपथ मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नाबालिग मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में परिजनों ने कोतवाली में तहरीर भी दी है, जिसके बाद पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मामला दर्ज कर फरार आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। थाना उचाहार पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची अपने पड़ोसी के घर गई हुई थी, जहां उसके साथ एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं बाल अपचारी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष। बुलंदशहर के थाना ककोड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिला। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि आरोपी हरपाल सिंह के घर मृतक का शव मिला था। घटना को अंजाम देकर हरपाल सिंह गांव से फरार हो गया। आरोपी हरपाल सिंह दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर है। 10 महीने पहले उधार लिए पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद जांच में पुलिस जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साढ़े 8 बजे हम लोगों ने उनको, जो हरपाल सिंह है जो फरार है, उनकी गाड़ी में देखा और 2:30 बजे हमें सूचना मिली उनके घर पर वो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। कुछ पैसे का लेन देन था जो 10 महीने से था, उन्होंने लेके किसी को दिए थे और अब गए तो ठीक ठाक थे, हमने भी सुबह देखा है और हमें सिर्फ मौके पर पहुँचने पर पता चला है कि वो उनके हरपाल सिंह घर पर उनको छोड़ के मृत अवस्था में फरार है, भाग गए। तो वहाँ क्या क्या दिखाई दिया आपको? वहाँ जिस हालत में पड़े हुए हमने तो सबसे पहले यही देखा था कि पहुँच के वहाँ उनकी जान नहीं थी उनकी बॉडी में, और ये कहा जा रहा है कि दारू दुरू में कुछ मिला के और उनको कर दिया उनके साथ। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश और भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद में दबंग एक पक्ष ने लाठी डंडे और चाकू से दूसरे पक्ष के घर लौट रहे दो लोगों पर हमला कर दिया। घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में एक की मौत भी हो गई है। वहीं मृतक के भाई ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। घटना की जाँच के बाद प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मंगवा कर अभियुक्त के अवैध निर्माण को दबा दिया। एसपी आजमगढ़ ने बताया कि जिस किसी ने भी अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने का निर्माण किया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा माफियाओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध जनपद में की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज एक शातिर अपराधी के द्वारा अवैध रूप से की गई भूमि पर कब्जा और उसका पोल्ट्री फार्म बनाने के उपरांत उसे नपवा कर ढाया गया है। जेसीबी से उसका दृष्टिकरण कराया गया, निस्तारित किया गया है और पहले भी जो बड़े अपराधी यहाँ के हैं उनके जो अवैध कब्जे थे उन्हें निस्तारित किया गया था। इस अपराधी द्वारा अभी परसों थाना महीनगर के रामपुर गांव में एक हत्या की गई थी और इसके जो इसके द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया गया था उसकी नपाई का कार्य पहले से चल रहा था, उसे आज ध्वस्त किया गया है और भविष्य में भी। आजमगढ़ पुलिस द्वारा बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अपराध नियंत्रण और अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा, 32 बोर और एक खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।